Hello everyone, welcome to class number 65 of the chapter Digital Logic. तो last class में हमने discuss किया था SR flip-flop के बारे में, आज हम discuss करेंगे और एक तरह के flip-flop के बारे में, आज हम discuss करेंगे mainly JK flip-flop के बारे में. और आज हम देखेंगे कि SR flip-flop के comparison में JK flip-flop में क्या difference है and JK flip-flop as compared to SR flip-flop कैसे better है. ओके तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है मोस्ट कॉमनली मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिजिटल सर्किट है जिसको हम यूज करते हैं ज्यादातर हमारे डिजिटल सिस्टम में. ओके तो जबकि हम ज्यादातर यूज करते हैं इस तरह के फ्लिप फ्लॉप डिजिटल सर्किट को हम ज्यादातर हमारे डिजिटल सिस्टम में, इसीलिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप सर्किट भी बोल सकते हैं. ओके तो इस तरह के फ्लिप फ्लॉप का नाम जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों हुआ, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप जो डिजिटल सर्किट है उसको इन्वेंट किया था जो इन्वेंटर ने, उन इन्वेंटर का नाम था जेक किल्बी. इसीलिए इन्वेंटर का नाम जबकि था जेक किल्बी, उसी हिसाब से हमारे फ्लिप फ्लॉप का नाम हुआ था जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके तो अब तक हमने ये जाना कि जेके फ्लिप फ्लॉप जो है इसको हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप सर्किट बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के सर्किट को हम ज्यादातर हमारे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम्स में यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. और इस फ्लिप फ्लॉप का नाम जेके फ्लिप फ्लॉप इसीलिए हुआ क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप सर्किट को डिजाइन किया था जो इन्वेंटर ने, और इन्वेंटर का नाम था जेके किल्बी, जैक किल्बी, और उनके नाम से ही इस फ्लिप फ्लॉप का नाम प्रोवाइड किया गया है. तो ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली एक एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट ही है, मतलब एक एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट का काम जो है जेके फ्लिप फ्लॉप भी वही सेम काम करता है. बट दोनों के बीच बस डिफरेंस यही है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो इनवैलिड स्टेट जनरेट होता था, अगर हम एस एंड आर दोनों का वैल्यू 1 लेते थे तो यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, उस इनवैलिड स्टेट को अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है, जिसके वजह से इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होता जेके फ्लिप फ्लॉप में, जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जनरेट होता था. जिसके वजह से जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके अगर हम डिजिटल सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, कोई डिजिटल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें हम ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे एज कंपेयर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप. ओके तो द सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप इज एग्जैक्टली द सेम एज फॉर द प्रीवियस एसआर फ्लिप फ्लॉप. एसआर फ्लिप फ्लॉप में जैसा ऑपरेशन परफॉर्म होता था वही सेम तरह का ऑपरेशन जेके फ्लिप फ्लॉप भी परफॉर्म करता है. एसआर फ्लिप फ्लॉप में जैसे हम दो इनपुट्स यूज करते थे सेट रिसेट, वैसे ही जेके फ्लिप फ्लॉप में भी वही हम दो इनपुट यूज करते हैं सेट एंड रिसेट. बट सेट एंड रिसेट में जो हम उसको रिप्रेजेंट करते थे एस एंड आर के द्वारा, जेके फ्लिप फ्लॉप में उसको हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं जे एंड के द्वारा, बट काम वही सेम है. बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द जेके फ्लिप फ्लॉप एंड द एसआर फ्लिप फ्लॉप इज दैट जेके फ्लिप फ्लॉप डज नॉट generate the invalid state from the flip-flop circuit. जो कि SR flip-flop में क्या होता था कि अगर हम दोनों ही input का values अगर 1 ले लेते थे तो वहां पे generate होता था invalid state, but JK flip-flop में invalid state generate नहीं होता. ये है major difference JK flip-flop and SR flip-flop के बीच, जिसकी वजह से JK flip-flop ज्यादा preferable, ज्यादा better है as compared to SR flip-flop. ओके सो जेके फ्लिप फ्लॉप में हम दो टू इनपुट लेते हैं, जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम एस एंड आर लेते थे, जेके फ्लिप फ्लॉप में हम लेते हैं जे एंड के दो इनपुट. मतलब यहाँ पे जो जे है वो सेट के साथ, सेट वाला इनपुट के साथ सेम है, एस के साथ सेम है, एंड जो के है वो हमारा रिसेट के साथ सेम है. ओके वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता है. और जो क्लॉक पल्स सिग्नल है उसका वैल्यू क्या है, क्लॉक पल्स सिग्नल जो है वो सी या फिर उसको हम ई के हिसाब से ले सकते हैं. और जो आउटपुट जनरेट होता है जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसे आउटपुट जनरेट करता था, जेके फ्लिप फ्लॉप भी वैसे दो ही आउटपुट जनरेट करता है, एक नॉर्मल आउटपुट क्यू एन और एक उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. ओके या फिर हम उसको QN plus 1 and QN plus 1 complement, ऐसे दो आउटपुट्स के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे SR flip-flop में रिप्रेजेंट करते थे. ओके तो अब तक हमने ये देखा कि JK flip-flop का नाम JK flip-flop क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो इन्वेंटर है उनका नाम था जैक किल्बी, उनके नाम के हिसाब से इस फ्लिप फ्लॉप का नाम हुआ है. ये
बेटर वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप हम बोल सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो इनवैलिड स्टेट जनरेट होता था वो इनवैलिड स्टेट कैसे जनरेट ना हो, फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम कैसे ज्यादा ऑपरेशन हमारे डिजिटल सर्किट में परफॉर्म कर सकें, डिजिटल सिस्टम में परफॉर्म कर सकें, उसको फोकस करते हुए डिजाइन किया गया है जेके फ्लिप फ्लॉप को। और जेके फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होता अगर हम दोनों ही इनपुट का वैल्यू 1 दे देते हैं तब भी। ओके, तो जबकि जेके फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होता जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जनरेट होता था, तो ऐसा क्या चेंजेस हमने किया जेके फ्लिप फ्लॉप सर्किट के डिजाइनिंग में जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होता। तो पहले हम डिसाइड करते हैं या फिर देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सर्किट डायग्राम डिजाइन करके। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ओके, एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम एस एंड आर दो इनपुट लेते हैं, एक क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं, क्लॉक पल्स सिग्नल सी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारा लैच, एसआर लैच को यूज करते हैं। ओके, एसआर लैच मतलब यहाँ पे एक आउटपुट एज ए इनपुट और एक में यूज होता है। ओके, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम था और आउटपुट जनरेट होता था यहाँ पे क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जो कि यहाँ पे बाकी सारी चीज सेम है, NAND गेट है, NAND गेट है, NAND गेट है, NAND गेट है, ये हमारा है SR लैच और यहाँ पे ये टोटल हमारा है SR फ्लिप फ्लॉप। बट एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या है कि जो आउटपुट है इस आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं और इस आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं एज ए इनपुट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे जनरेट होता था इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होता जेके फ्लिप फ्लॉप में, एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो कि जनरेट होता था। ओके, तो बाकी सारे कंडीशंस तो सेम है हमारे, बाकी सारे कंडीशंस पूरा एग्जैक्टली सेम रहेंगे जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप में था, बट एक ही डिफरेंस है एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप के बीच कि अगर हम जे एंड के मतलब जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस एंड आर था, एस एंड आर दोनों का वैल्यू अगर हम 1 रखते थे तो जनरेट होता था उस वक्त इनवैलिड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह का स्टेट जनरेट होता है। अगर हम जे एंड के दोनों का वैल्यू 1 लेते हैं, क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं जिस वक्त हमारा जे का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 1 है, उस वक्त अगर हम कंसीडर करते हैं क्यू एन जो हमारा पास्ट आउटपुट है उसका वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं 0 एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जो है उसका अगर हम आउटपुट कंसीडर करते हैं 1, तो उस वक्त हमारा क्या आउटपुट जनरेट हो सकता है, प्रेजेंट आउटपुट क्या जनरेट हो सकता है। ओके, तो अगर क्यू एन का वैल्यू मैं लेता हूं 0 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू अगर लेता हूं 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो आउटपुट है इस आउटपुट को हम यहाँ पे एज ए इनपुट यूज करेंगे। तो अगर क्यू एन का वैल्यू 0 है तो इसको हम यहाँ पे एज ए इनपुट 0 यूज करेंगे, अगर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एज ए इनपुट हम इसको कंसिडर करेंगे 1। तो अगर नैंड गेट में कोई एक भी इनपुट का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा 0, अगर तीनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट जनरेट होगा सॉरी अगर कोई एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट जनरेट होता है 1 और अगर तीनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट जनरेट होता है 0। ओके, तो यहाँ पे कोई एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट जनरेट होता है 1, तो यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 जो है वो आउटपुट जनरेट करेगा 1। ओके, तो आउटपुट 1 जनरेट होने के बाद उसी आउटपुट 1 को हम यहाँ पे इनपुट यूज करेंगे 1, अगर दोनों ही 1 है तो आउटपुट यहाँ पे क्या जनरेट होगा क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यहाँ पे जनरेट होगा 0। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया था जो पास्ट आउटपुट क्यू एन, क्या कंसीडर किया था 0, बट क्यू एन प्लस 1 हमें क्या मिला 1, मतलब जो पास्ट आउटपुट था 0 था और प्रेजेंट आउटपुट जो है वो हमें मिला 1, मतलब प्रेजेंट आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पास्ट आउटपुट। ओके, यहाँ पे भी नीचे वही है, qn कॉम्प्लीमेंट हमारा था 1 बट qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट हमें मिला 0, मतलब जो पास्ट आउटपुट हमें मिला वो क्या है ओरिजिनल आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो इस तरह के स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के स्टेट को हम बोलते हैं टॉगल स्टेट। ओके, तो SR फ्लिप फ्लॉप में अगर हम S एंड R दोनों का वैल्यू 1 लेते थे जबकि इनवैलिड स्टेट जनरेट होता था, बट JK फ्लिप फ्लॉप में अगर हम S एंड R दोनों का वैल्यू मींस J एंड K दोनों का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो उस वक्त इनवैलिड स्टेट जनरेट ना होके क्या जनरेट होता है टॉगल स्टेट जनरेट होता है। तो किस तरह के स्टेट को हमारे फ्लिप फ्लॉप में हम टॉगल स्टेट बोलते हैं, अगर हम Q सपोज हमारा जो आउटपुट है वो है Q n प्लस 1,
तो हमारा जो प्रेजेंट आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के वैल्यू के साथ अगर सेम होता है तो उस तरह के स्टेट को हम बोलते हैं टॉगल स्टेट। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है टॉगल स्टेट किसको बोलते हैं। तो ये है ब्लॉक डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप का, एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ सेम है। एस के जगह पे हमने लिखा है सिर्फ जे, आर की जगह पे लिखा है सिर्फ हमने के, और आउटपुट वही सेम है। यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप की जगह पे हम यूज करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ये तो हमने देखा एक कंडीशन जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप के बीच डिफरेंस है। अभी बाकी जितने कंडीशंस हैं ट्रुथ टेबल का उसको हम कंपेयर करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो आउटपुट एसआर फ्लिप फ्लॉप जनरेट कर पा रहा था वही सेम आउटपुट हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। तो अगर हम क्लॉक पल्स सिग्नल जीरो रखते हैं तो तब क्या आउटपुट जनरेट करेगा हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर इसको जीरो रखते हैं तो अगर नेंड गेट में कोई एक भी इनपुट अगर जीरो होता है तो आउटपुट जनरेट होता है वन। तो दोनों जगह पे आउटपुट जनरेट होगा वन। उसके बाद यहाँ का आउटपुट आएगा क्यू एन, यहाँ का आउटपुट आएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो इसको एज ए इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूज करेंगे क्यू एन। तो आउटपुट क्या आएगा क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू Qn complement and 1 का whole complement। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे a and b का whole complement, तो आंसर हमारा क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा Qn। ओके, अगर टोटली सॉल्व करेंगे तो, जो कि हमने SR फ्लिप फ्लॉप में सॉल्व किया था। उसके बाद यहाँ पे Qn plus 1 complement आउटपुट क्या जनरेट होगा Qn complement and 1 का whole complement। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सॉरी क्यू एन एंड वन का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर पास्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट दोनों इक्वल होते हैं तो उस तरह के स्टेट को हम क्या बोलते हैं होल्ड स्टेट। तो अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तो कौन सा स्टेट जनरेट होता है, होल्ड स्टेट जनरेट होता है। उसके बाद अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू वन रखते हैं एंड जे एंड के दोनों का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो तब क्या कंडीशन अराइज होगा, तब क्या सिचुएशन, तब क्या स्टेट जनरेट होगा हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लॉक पल्स का वैल्यू लेते हैं वन और जे एंड के दोनों का वैल्यू अगर लेते हैं जीरो, तो अगर नेंड गेट में कोई एक भी वैल्यू जीरो होता है तो आउटपुट जनरेट होता है वन। ओके, और जबकि दोनों में ही आउटपुट जनरेट होगा वन, तो यहाँ पे सपोज हमारा जो पास्ट आउटपुट है क्यू एन है, यहाँ पे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको यहाँ पे ऐसे इनपुट यूज करेंगे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूज करेंगे क्यू एन, और जो फाइनल या फिर प्रेजेंट आउटपुट निकलेगा क्यू एन प्लस वन वो क्या होगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड वन का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू क्यू एन। एंड यहाँ पे क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या मिलेगा क्यू एन एंड वन का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो अगर पास्ट आउटपुट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट आउटपुट होता है तो वहां पे उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में होल्ड स्टेट। तो यहाँ पे भी होल्ड स्टेट जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर क्लॉक पल्स का वैल्यू वन है एंड जे एंड के में से जे का वैल्यू जीरो एंड के का वैल्यू अगर वन है तो तब क्या कंडीशन या फिर तब क्या सिचुएशन अराइज होगा जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। ओके, तो हमने देखा है कि नेंड गेट में अगर कोई एक भी इनपुट का वैल्यू जीरो होता है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा वन। तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा वन। तो अगर यहाँ पे आउटपुट जनरेट होता है वन और यहाँ पे आउटपुट जनरेट होता है वन, आउटपुट जनरेट होने के बाद यहाँ पे दो इनपुट अगर वन है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा जीरो। तो अगर यहाँ पे जीरो है नेंड गेट में अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा वन। और यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हुआ इसी आउटपुट को एज ए इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर दोनों ही वन है तो आउटपुट जनरेट होगा क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और जे जीरो जबकि जनरेट हुआ उसको एज ए इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर दोनों ही जीरो है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे अगर हम j का वैल्यू ले रहे हैं जीरो, k का वैल्यू ले रहे हैं वन, उस वक्त अगर qn plus वन का वैल्यू आ रहा है जीरो एंड qn plus वन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू अगर आ रहा है वन, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे रिसेट स्टेट। ओके, उसके बाद अगर हम j का वैल्यू लेते हैं वन एंड k का वैल्यू लेते हैं जीरो, तब क्या आउटपुट या फिर तब क्या स्टेट जनरेट होगा करके देखते हैं उसको। ओके, तो अगर नेंड गेट में कोई एक भी इनपुट का वैल्यू जीरो होता है तो आउटपुट हमारा क्या जनरेट होता है वन। तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा वन, और अगर दोनों ही इनपुट जीरो हैं तो तब क्या आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा जीरो। तो नेंड गेट में कोई एक भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट जनरेट होगा वन, उसी वन को एज ए इनपुट हम यहाँ पे यूज करेंगे। दोनों अगर वन है तो आउटपुट जनरेट होगा जीरो, उसी जीरो को एज ए इनपुट हम यहाँ पे यूज करेंगे। दोनों ही अगर इनपुट जीरो है तो क्यू एन प्लस वन जो प्रेजेंट आउटपुट है वो क्या आएगा वन।
अगर प्रेजेंट आउटपुट 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 लाएंगे, अगर दोनों ही 1 है तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, अगर 1 प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है तो 1 नेंड गेट में अगर दोनों ही 1 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, 0। तो अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे Qn प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, Qn प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 0। ओके, तो इसी 0 को हम क्या करेंगे अभी एज ए इनपुट यहाँ पे ले लेंगे 0, और यहाँ पे 1 जो आया इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे 1। तो अगर कोई एक भी 0 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, 1। यहाँ पे कोई एक भी अगर 0 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, 1। ओके, तो दोनों की जगह पे 1 है, तो अगर दोनों की जगह पे 1 है तो अभी क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारा एक इनपुट 0 है, तो एक इनपुट अगर 0 है तो वहां पे आउटपुट जनरेट होगा 1, और यहाँ पे जबकि दोनों ही 1 है तो आउटपुट जनरेट होगा 0। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, Qn प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर Qn प्लस 1 इक्वल्स टू 1 जनरेट होता है एंड Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू अगर 0 जनरेट होता है तो वहां पे उस तरह के स्टेट को हम क्या बोलेंगे, सेट स्टेट। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में, उसके लॉजिक सर्किट डायग्राम, उसका ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल के बारे में भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।